हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सब एरियल मॉडिफिकेशन देखेंगे। ये मॉर्फोलॉजी का टोटल तीसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बता रहा था, उसमें मैंने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन बताया, फिर एरियल मॉडिफिकेशन बताया, सब एरियल मॉडिफिकेशन रह गया था। पहले वीडियो से मैं आपको बताता हूँ कि पहले वीडियो में क्या था। पहले वीडियो में जब मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया तो मैंने रूट बताया, फिर उसके बाद मैंने रीजंस ऑफ रूट बताए, उसको मैंने एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट देखा, रूट के मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं वो देखा, फिर हमने स्टेम को डिटेल में किया कि स्टेम क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग ने मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम किया। फिर मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में भी मैंने आपको अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशन समझा दिए। तो अगर आपने अब तक पिछली दो वीडियो नहीं देखी है यहाँ तक मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम जहाँ मैंने स्टार्ट किया जिनमें मैंने दो बता दिया है, तो वीडियोस लिंक में डाल दिया जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन से, जो कि ये तीसरी वीडियो है उसमें सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि मॉडिफिकेशन टोटल तीन टाइप का होता है, अंडरग्राउंड होता है, एरियल होता है, सब एरियल होता है। अंडरग्राउंड कौन सा? जो जमीन के अंदर हो। एरियल कौन सा? जो जमीन के ऊपर हो। और सब एरियल क्या मतलब? जमीन से भी टच और जमीन के ऊपर भी, तो उसको अपन सब एरियल बोलते हैं। अब सब एरियल मॉडिफिकेशन में टोटल चार टाइप होते हैं, रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर। तो अपने को ये चारों मॉडिफिकेशन देखने हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन में जो रनर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो स्प्रेड करते हैं न्यू नाइक में, मतलब एक जगह से दूसरे नाइक में भी, वो दूसरे कम्युनिटी या दूसरे जगहों पे भी ग्रो करते हैं। जब इनके ओल्डर पार्ट डाई हो जाते हैं ना, तो न्यू प्लांट फॉर्म होते हैं। रनर में अगर आप ग्रास, जैसे कि घास जो होती है, आप अगर उसको उखाड़ोगे तो वहीं से नई घास शुरू हो जाती है, मतलब नई घास उगना शुरू हो जाती है। तो मतलब अगर ओल्डर पार्ट डाई करता है तो न्यू पार्ट भी फॉर्म होता है। रनर्स के जो एग्जाम्पल है वो ग्रास और स्ट्रॉबेरी है। अब एनसीईआरटी में ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी को उसने अंडरग्राउंड बोला है, जो कि गलत लिखा है। ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी रनर में आते हैं और वो सब एरियल मॉडिफिकेशन का पार्ट है। लेकिन अगर नीट में एमसीक्यू आए तो सही किसको मानोगे? सही आप अंडरग्राउंड को ही मान के चलना, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से ही पेपर बनता है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है और ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी होता क्या है, वो रनर्स के एग्जाम्पल है। फिर सब एरियल मॉडिफिकेशन में दूसरा टाइप आता है स्टोलन। स्टोलन क्या होता है वो पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर इसको मैं आपको इधर डायग्राम से समझाता हूँ। स्टोलन में लिखा कि अ सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ अ मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम्स आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। स्टोलन देखो कुछ ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो वो जो मेन एक्सिस है ना, जैसे वो बेस से ऐसे ग्रो करते, कुछ टाइम वो हवा में रहते, फिर उसके बाद वो ऐसे आर्च बना देते और ग्राउंड पे आके फिर ऐसे ऐसे ग्रो करते। कैसे? पहले वो बेस पे रहते, ग्रो करते एरियली, ऊपर ग्रो करते, फिर वो आर्च बनाएंगे, आर्च बना के फिर वो ग्राउंड पे आके ऐसे ऐसे ग्रो करते। तो स्टोलन का एग्जांपल जो होता है वो मिंट एंड जास्मिन। फिर अगला हम देखेंगे ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटर नोड्स एंड ईच नोड बेरिंग अ रोस्टेड ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट। कैसा होता है? देखो मान लो स्टेम है, नोड क्या होता है, जहाँ लीफ वगैरह राइज हो, तो ऐसे ऐसे एक नोड पे लीफ राइज है, फिर जस्ट नीचे दूसरे नोड पे लीफ राइज है, तो मतलब जो दोनों लीफ के बीच, दोनों लीफ के नोड के बीच का डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर नोड। मैंने आपको बताया था जहाँ लीफ बॉर्न होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जहाँ लीफ बॉर्न होती है उसको नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। तो क्या होगा ऑफसेट्स में? क्या होता है, जो नोट्स होते हैं ना, दोनों नोट्स के बीच की डिस्टेंस कम होती है, तो अगर नोट्स के बीच की डिस्टेंस कम है तो मतलब शॉर्ट इंटर नोड है, और जो नोट्स होते हैं ना उस पर रोस्टेड ऑफ लीव होते हैं, मतलब बहुत सारे लीफ एक ही नोड पे प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है पिस्टिया एंड इकॉर्निया। फिर अगला सब एरियल मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है सकर। पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते फिर डायग्राम बनाएंगे। लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेजल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड एंड गिव राइज टू लीफी शूट्स। क्या बोल रहे हैं? कहना चाहता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये एक्चुअली इनके जो स्टेम्स होते हैं वो पहले अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के अंदर ऐसे ग्रो करते, फिर जमीन के अंदर ऐसे हॉरिजेंटल ग्रो करते, फिर
उसके बाद ये ऑब्लिकली ऊपर आते हैं, अपवर्ड आते हैं जमीन के बाहर, और फिर ऐसे ग्रो करते हैं। देखो ये कैसे ग्रो करते हैं, देखो लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फॉर्म, देखो ये स्टेम है उसकी लेटरल ब्रांच, ओरिजिनेट फॉर्म अंडरग्राउंड पोर्शन, जमीन के अंदर से पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रो किया हॉरिजॉन्टली, फिर ऑब्लिकली कम आउट हुआ एंड गिव राइज टू लीफी शूट्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथम। तो आपको मेनली एग्जाम्पल याद होने चाहिए और ये डेफिनेशन याद होने चाहिए। कभी कभी पूछता है कि इनमें से शक्कर का डेफिनेशन क्या है, तो इसलिए डेफिनेशन याद होने चाहिए। तो रनर का क्या हुआ, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, स्टोलोन का मिंट एंड जास्मिन, ऑफसेट का पिस्टिया एंड इकॉर्निया, एंड शक्कर का बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथम। एक खत्म हो गया स्टेम। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एनसीईआरटी ही बेस पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी सिर्फ एनसीईआरटी का ही पढ़े, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा सिलेबस है और आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी का बस इतना ही कर लिया आपने ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं नोट कर रहा हूँ, उससे आपके मॉर्फो के 4 एमसीक्यू राइट भी हो जाएंगे, क्योंकि बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने, और मैं बाकी चैप्टर्स भी इसी तरह यूट्यूब पर डालते रहूँगा। अगला है लीफ। लीफ क्या होता है उसके बारे में अपन पहले लीफ जानेंगे क्या क्या होता है लीफ, फिर उसके बाद एक एक करके एनसीईआरटी में क्या दिया है लीफ के बारे में देखते जाएंगे। लीफ जो होता है वो लेटरल होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉर्न होता है स्टेम पर। डेवलप किस पे होता है लीफ, नोड पे, मैंने आपको पहले बताया। लीफ जहाँ लीफ डेवलप हो उसी को हम लोग नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और क्या करता है बीयर, एक्सिल करता है। लीफ जो होता है वो बड बियर करता है अपने एक्सिल पे। जैसे मान लो ये स्टेम है, ये लीफ है, तो इसको हम लोग एक्सिल बोलते हैं, और इस एक्सिल पे लीफ क्या करता है, बड बियर करता है। और अगर बड एक्सिल पर है तो उसको एक्सिलरी बड बोलते हैं, और अगर बड स्टेम के टर्मिनल, मान लो स्टेम है पूरा और इसके टर्मिनल पोजिशन पर है, तो इसको टर्मिनल बड बोलते हैं। ठीक है, जो एक्सिलरी बड होता है वो बाद में ब्रांच में डेवलप होता है। ओरिजिनेट फॉर्म सूट अपाइकल मेरिस्टेम, जो लीफ होता है ना वो सूट अपाइकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है। सूट अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मैंने जब आपको पढ़ाया था, तो रूट में मैंने देखो ये रूट के डायग्राम जब मैंने शुरू में बताए थे, तो देखो रूट के जो रूट का एकदम एपेक्स पार्ट है उधर क्या है, मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। उसी तरह स्टेम का जो एकदम ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वहाँ भी मेरिस्टमेटिक सेल होते हैं। तो लीफ किससे ओरिजिनेट होता है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम से। किससे, सूट अपाइकल, जो सूट के ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा वहाँ मेरिस्टमेटिक सेल्स होंगे, तो उसको हम लोग वहीं से ही लीफ ओरिजिनेट होता है, उसको सूट अपाइकल मेरिस्टेम से अराइज होगा लीफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए ही लीफ का काम यूज किया जाता है। ठीक है, मेनली लीफ का यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जैसे हम लोग एक लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, लीफ में होता क्या है, देखो एक लीफ है, इस लीफ में जो ये लीफ का पार्ट है ना, ये जो पत्ता है, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमिना, या फिर इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, लीफ ब्लेड भी। देखो फ्लैटेंड एकदम पतला चपटा स्ट्रक्चर है, ये जो लेमिना है और लीफ बेस है, जिससे लीफ इस अपने बेस पे अटैच है, उसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल। और लीफ बेस के जो पास होगा, देखो जिस पे लीफ अटैच होता है उसको लीफ बेस बोलते हैं। लीफ बेस के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी बड। और कभी कभी ना लीफ बेस के पास एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर लीफ के बेस के पास प्रेजेंट है तो उसको स्टिप्यूल बोलते हैं। स्टिप्यूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, स्टिप्यूल हो भी सकता है अगर है, छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको स्टिप्यूल बोलेंगे, अगर नहीं है तो नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो लीफ के टोटल 3 पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। तो लीफ बेस क्या होता है, लीफ इज अटैच टू स्टेम बाय लीफ बेस। तो लीफ स्टेम से किस तरह से अटैच होता है, लीफ बेस के जरिए। मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिम्यूल्स। कभी कभी लीफ बेस लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बियर करता है, उसको हम लोग स्टिम्यूल बोलते, स्टिप्यूल्स बोलते। इन मोनोकॉट लीफ बेस एक्सपांड इनटू अ सेथ कवरिंग द स्टेम पार्सली और ओरली। मोनोकॉट्स में क्या होता है, मोनोकॉट्स में जो लीफ बेस होता है ना, एक सेथ बनता, मतलब एक चादर की तरह बनता है, और पूरे स्टेम को पार्सली या होली कवर कर लेता है लीफ बेस। लीफ बेस के बारे में कुछ और पढ़ने यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम सॉलिड विच इज कॉल्ड द पल्विनस।
लीफ बेस्ड किसी किसी लेगुमिनस प्लांट्स में जो होता है, लेगुमिनस प्लांट दाल वाले जो हैं, सोयाबीन वगैरह प्रोटीन वाले, प्रोटीन रिच प्लांट्स जो हैं, उनमें लीफ बेस का होता है, फूला हुआ होता है, उस वैसे प्लांट्स को हम लोग पल्विनस प्लांट भी बोलते हैं। लीफ का दूसरा पार्ट है पेटियोल। पेटियोल क्या करता है, पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, इसको हम लोग ब्लेड भी बोलते हैं। मैंने कहा ना लेमिना जो है इसको हम लोग ब्लेड भी बोलते हैं। पेटियोल क्या करता है, ब्लेड को होल्ड करके रखता है लाइट में, जैसे कि सन सन रेस पड़ रही है तो उसको होल्ड करके रखता है लाइट में। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल मोटा नहीं होता, एकदम लंबा सा पतला सा एकदम होता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीव ब्लेड टू फ्लटर इन बिट, ये जो थिक पतला सा फ्लेक्सिबल लीव ब्लेड है ना, ये पेटियोल को अलाउ करता है कि ये विंड के सामने ऐसे ऐसे फ्लट करे, मतलब कि घूमे। एंड द लीफ एंड ब्रिंगिंग अ फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, अगर ये लीफ पेटियोल के वजह से अगर ये लीफ लेमिना जो है ऐसे ऐसे घूमेगा तो उसको लीफ सरफेस को फ्रेश एयर मिलेगी। ठीक, अगला पार्ट आता है लेमिना। लेमिना को हम लोग लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट होता है, इसमें वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये देखो, ये बड़ा सा जो ग्रीन पार्ट है ना बीच में, इसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। और इस वेन से जो छोटे छोटे निकले हैं ना उसको हम लोग वेनलेट्स बोलते हैं। यूजली मिडल प्रोमिनेंट वेन को हम लोग मिडरिप बोलते हैं। यूजली जो आपने अगर कोई लीफ देखा होगा तो बीच वाला जो होता है बहुत लंबी सी लाइन, वो प्रोमिनेंट होती है, बहुत अच्छे से दिखती है, तो उसको हम लोग मिडरिप भी बोलते हैं। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा लीफ बेस का पार्ट यहाँ रह गया था, जगह नहीं था तो यहाँ मैंने लिखा है। वेन अल्सो एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स, ये जो वेन्स एंड वेनलेट्स है ना ये चैनल की तरह एक्ट करते हैं, वाटर फूड मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं लीफ में। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने सब एरियल मॉडिफिकेशन देख लिया, लीफ देख लिया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि लीफ में होता क्या है, वेनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीफ्स क्या होता है, वो हम उसके आगे के वीडियो में देखेंगे। और ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स मैं वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगा, वो आप वो भी डाउनलोड कर लेना, और पिछले वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। और अगर आपको ऐसे ही और नोट्स चाहिए, मतलब और भी नोट्स, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको डाउट क्या है, और ऐसे नोट्स चाहिए पीसीबी के कोई भी चैप्टर का, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या मेरे इंस्टा आईडी पे भी डाल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू।